मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के निर्देश में दिनारा पुलिस ने लगभग 9 लाख से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद किया। शिवपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के निर्देश के बाद गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया और दिनारा थाना पुलिस ने 9 लाख से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ट्रक के साथ 4 आरोपियों को भी पकड़ा, जिनके कनेक्शनों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के नाम मलखान, मोहन सिंह, गजेंद्र सिंह और देवेंद्र बताए जा रहे हैं, जो करेरा के पास के रहने वाले हैं। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। पकड़ा गया, कहां से पकड़ा, कितने का, क्या? ये थाना दिनारा की कार्रवाई है। थाना प्रभारी को एक सूचना मिली थी, मानसरोवर ढाबे की तरफ से एक टाटा का ट्रक है जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ है, वो आने वाला है। उन्होंने वहां पे चेकिंग चालू की और उसको रोका उस दीदी से की टीम ने, और उसमें जब चेक करने में 4 लोग पाए गए, मलखान, देवेंद्र, गजेन और एक मोहन सिंह, इनसे पूछताछ की गई। और फिर जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में जो चादर है उसके नीचे नटबोर्ड के अंदर 92 किलो गांजा पैकेट में भरा हुआ था, तो उस पर से कार्रवाई करके इनको NDPS की कार्रवाई की, इनको गिरफ्तार किया गया है। अब ये कहाँ से क्या माल रहे थे उसकी पुलिस अभी विचारें पूछताछ करेगी। एक बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है जिसमें SDOP और एडिशनल SP का मार्गदर्शन में रहा है, तो ये पूरी टीम को रिवार्ड देता है। कीमत कितनी रही? कीमत 9 लाख की कीमत का गांजा है और गाड़ी के 10 लाख के आसपास। तो उसमें कितने आरोप पकड़े? 4 आरोपी है। जो आरोपी पकड़े हुए पहले उनमें अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े ही जो है मोहन, उसका केस है शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन